गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हाउ कैन दे ब्रीथ, हाउ कैन दे रेस्पायर। तो हम इसके पिछले लेक्चर में आप लोग को हम ये कवर कर चुके हैं कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और प्लांट का हर हिस्सा जो है वो रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। आपको रूट में बताए थे कि रूट जो है वो क्या करता है, तो रूट लेंटिकल्स से रूट जो होता है वो रूट लेंटिकल्स जो पाए जाते हैं, मिनट पोर्स पाए जाते हैं किसमें, तो रूट हेयर में पाए जाते हैं, उससे वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं डिफ्यूजन के माध्यम से। फिर आपको हम शूट में स्टेम में बताए थे, स्टेम में कुछ लेंटिकल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, और सबसे अधिक जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, तो आपको बता चुके थे कि वो लिप्स में होता है। तो हम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप लोग जैसा कि जानते थे कि अच्छे प्लांट जो है वो CO2 का यूज अपने किस लिए कर देता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कर देता है। तो उसके द्वारा जो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 रिलीज होता है वो उसका यूज वो क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान भी कर लेता है। लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो केवल डे में होती है, नाइट में तो होती नहीं है। तो नाइट में वो सारा का सारा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिसके कारण यही इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट के पास रात को नहीं सोना चाहिए, है ना। तो डू नॉट स्लीप एट नाइट नियर द प्लांट्स बिकॉज दे एक्सक्रीट आउट CO2 गैस, है ना, एट मैक्सिमम रेट। तो रात को वो मैक्सिमम रेट में क्या करते हैं, CO2 को रिलीज किया करते हैं। तो हम प्लांट का पूरा कवर कर चुके हैं। देन वी स्टार्ट रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो हम रेस्पायरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन तो आप लोग जानते ही हैं, तो है क्या, तो रेस्पायरेशन का जो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ब्रीदिंग होता है। तो हम कभी कभी दोनों को कॉमनली जो है वो रेस्पायरेशन को ही कॉमनली क्या बोल देते हैं, तो ब्रीदिंग भी बोल देते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है, द एक्सचेंजेशन ऑफ गैसेस O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 एक्सक्रीट आउट फॉर्मेशन इन सेल्स। जो हमारे सेल के अंदर क्या बनता है, CO2 बनता है, उसको हम एक्सचेंज करते हैं किससे, ऑक्सीजन जो है वो हम CO2 से एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये कॉमनली क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो एडवांस्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स हैं, उनमें तो क्या है, तो उनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स पाया जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। जबकि कुछ जो क्या होते हैं, जो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स हैं, मतलब कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स हैं और वो ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, तो उनमें कोई खास प्रकार का ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, तो इसका ये इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के माध्यम से उसके सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं और CO2 को आउट कर देते हैं, वो सेल फ्लड, सेल टिश्यू फ्लड के माध्यम से या फिर साइटोप्लाज्म के माध्यम से। तो उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनका जो सेल होता है या फिर टिश्यू जो होता है वो स्किन के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। कुछ के स्किन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में सहायक होते हैं। लेकिन और जब और एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स में जाते हैं, तो उनके पास वैसा कोई स्किन ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट स्किन से क्या करे, CO2 को गेन कर ले। तो उनमें क्या होते हैं, जो एक्वेटिक है उनमें कुछ क्या पाए जाते हैं, तो उनमें लंग्स पाए, उनमें क्या पाए जाते हैं, तो उनमें गिल्स पाए जाते हैं, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन गेन किया जाता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में जो होता है उसको गेन करते हैं। अब कुछ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं, वो क्या कर, उनमें यह स्किन के द्वारा ऑक्सीजन को गेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, डिफ्यूज नहीं होता है। तो अल्दो जो भी है, हम जान रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, वो एक ही कॉमन मेथड है गैसियस एक्सचेंज का, तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन है,
वो क्या है डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन जो है वो कहाँ हो रही है इस पर डिपेंड करता है। जैसे अब कुछ जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स है, जैसे आप ले लीजिए अमीबा को, पैरामेसियम को, या फिर कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स को भी ले लीजिए। तो कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में कौन कौन आते हैं, तो आप हाइड्रा को ले लीजिए, प्लेनेरिया को ले लीजिए। तो ये सभी जो है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स है, लेकिन इनमें इनके जो सेल्स होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं वो एटमोस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, और वो आसानी से एटमोस्फेयर से O2 को डिफ्यूज कर लेते हैं अपने टिश्यू फ्लड में। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पे, देख लीजिए आप लोग, तो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एक एक बात को अच्छे से समझेंगे आप लोग, ठीक है, हमारे साथ बने रहे। तो दी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर, है ना, तो O2 जो हम एटमोस्फेयर से गेन कर रहे हैं उसका एक्सचेंज होता है किसके द्वारा, विथ CO2, CO2 के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, सेल के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है इज कॉल्ड ब्रीदिंग, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, और कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन भी बोल देते हैं कॉमनली, लेकिन रेस्पायरेशन वो है नहीं, कॉमनली बोल दिया जाता है। फिर अब आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में आ जाइए, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स लाइक अमीबा, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना, एज वेल एज सम मल्टी सेल्यूलर, जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स हैं सारे में डिफ्यूजन के माध्यम से होगा, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ 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 जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स हैं जो एडवांस्ड नहीं है, एज वेल एज सम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, अनलाइक अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स, दूसरे ऑर्गेनिम्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स होते हैं, जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में और कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स नहीं होते हैं। किस लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स होते हैं, तो हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स, यहां पे थोड़ा सा लिखना भूल गए हैं, डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स अनलाइक टू ब्रीद और गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज, तो ब्रीद और गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या नहीं होते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, किसमें, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स और कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में। लेकिन अगर हम एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स की बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 types ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गेन्स, तो बेसिकली 3 types ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गेन्स क्या है फाउंड इन एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स, ब्रीदिंग 3 type का ब्रीदिंग ऑर्गेन्स एडवांस्ड ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, तो स्किन, अब स्किन को आप ले लीजिए, आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिम्स, तो जो स्किन है वो हमारा आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिम्स, तो स्किन के द्वारा कुछ ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, मतलब ब्रीद करते हैं, और फिर गिल्स जो आउट पॉकेट्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो आउट पॉकेट्स होता है वो गिल्स कहलाता है, दैट वर्क बेस्ट इन वाटर, वाटर के लिए वो परफेक्ट होता है, वाटर में बहुत अच्छा काम करता है। तो कुछ जो है वो गिल्स के द्वारा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एक्वेटिक प्राणी है, एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स है, वो किसके द्वारा ब्रीद करते हैं, तो वो गिल्स के द्वारा ब्रीद करते हैं। फिर स्किन के द्वारा, तो हम इसको भी बताएंगे, तो स्किन के द्वारा कौन कौन जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो भी स्किन के द्वारा क्या करते हैं, तो ब्रीदिंग करते हैं। फिर आप ले लीजिए ये किसको, तो अर्थवॉर्म को ले लीजिए, वो भी स्किन के द्वारा ब्रीद करते हैं। अब लंग्स की बात करें, तो इन पॉकेट्स ऑफ टिश्यू दैट वर्क बेस्ट इन लंग, बेस्ट इन लैंड्स, तो बहुत अच्छा काम करता है कहां, तो जमीन पे, एंड एयर, एंड इन एयर में, हवा में बहुत अच्छा वर्क करता है ये। फिर ऑल्दो, यहां पे आपको पहले ही बता चुके हैं, ऑल्दो द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स हैं सभी में गैसियस एक्सचेंज एक ही मेथड से होगा, और वो है डिफ्यूजन, और दूसरा कोई मेथड नहीं बना है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, वो चाहे हम हो या फिर छोटे छोटे प्राणी हो, कॉकरोच हो, सब में वही होगा। तो ऑल्दो द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स परफॉर्म्ड बाय ए कॉमन मेथड्स कॉल्ड डिफ्यूजन, फर्स्ट क्या,
तो कॉर्डेट्स और मैमेलियन को ले लें, तो कॉर्डेट्स और मैमेलियन में क्या पाया जाता है, ब्लड होते हैं। तो डिफ्यूज्ड दी गैस, गैसों के डिफ्यूजन के लिए ब्लड पाए जाते हैं। तो हम जैसे हम लोगों में तो दो दो टाइप दो 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 बार क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एक लंग्स में एल्वोलाई, आउटर सरफेस, आउटर एनवायरनमेंट और एल्वोलाई के बीच गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वोलाई से क्या होता है, जो हम आउटर सरफेस से ऑक्सीजन लिए वो एल्वोलाई के ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड में ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को रिलीज कर लेता है, और वही फिर CO2 क्या, फिर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रत्येक सेल में। तो अब सेल के पास क्या होता है, तो सेल के पास भी ब्लड से, तो सेल ब्लड ऑक्सीजन जो हुआ वो ब्लड कैपिलरीज फिर सेल में गया। अब सेल से क्या हुआ, वहां पे O2 बना और उसके बाद फिर CO2 का यूज हो गया, यूटिलाइज हो गया और CO2 जो बना वो फिर से ब्लड में आ गया। तो दो दो बार गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या है, तो कॉर्डेट्स और मैमेलियंस है ब्लड टू डिफ्यूज द गैस O2 विथ CO2, है ना। Those organisms they do not have blood, वैसे organisms जिनमें blood नहीं पाए जाते हैं, तो those organisms they do not have blood, gases are diffused in tissue fluid, वहां पे जिनमें blood नहीं है उनमें tissue fluid या फिर cytoplasm में होता है gas का diffusion। cytoplasm में क्या होता है, तो oxygen वहां पे utilized होता है और CO2 रिलीज होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। लाइक हाइड्रा, जैसे हाइड्रा को आप ले लीजिए, टिश्यू फ्लड या साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप ले लीजिए, तो इन मोस्ट इंसेक्ट्स गैसेस आर नॉट एक्सचेंज, तो गैसेस जो है वो एक्सचेंज नहीं होता है ब्लड के माध्यम से। अधिकांशता जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे गैसों का एक्सचेंजेशन जो है वो ब्लड के माध्यम से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज दे आर अनेबल टू डिफ्यूज गैस, क्योंकि वो गैस को डिफ्यूज करने के लिए अनेबल होता है। क्यों अनेबल होता है, तो अनेबल इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या, तो उनमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो डिफ्यूज नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है, तो वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, वो डायरेक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म से ही, वैसा साइटोप्लाज्म के द्वारा ही क्या होता है, टिश्यू फ्लड के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वही है, इन मोस्ट इंसेक्ट्स गैसेस आर नॉट एक्सचेंज्ड बाई ब्लड, बिकॉज दे आर अनेबल टू डिफ्यूज गैस, और गैस तो गैस आर डिफ्यूज्ड इन टिश्यू फ्लड, यहां पे गैस जो है वो टिश्यू फ्लड में क्या होता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिम्स की, इनकी बात करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स ब्रीदिंग ऑर्गन्स, तो हम डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिम्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो जनरली आपको बता चुके हैं तीन टाइप का होता है, एक स्किन, लंग्स और गिल्स। तो आप देख सकते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, तो स्पोंगीज, सेलेंट्रेटा एंड फ्लैट वॉर्म्स। क्या क्या आते हैं, तो स्पोंगीज, सेलेंट्रेटा एंड फ्लैट वॉर्म्स। तो स्पोंगीज में आप जानते हैं कि वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम पाया जाता है, वो किस लिए, तो वो न्यूट्रिशन के लिए भी पाया जाता है और ऑक्सीजन के गेन के लिए भी पाया जाता है। तो उसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते नहीं है, वो जो उनके जो सेल होते हैं वो डायरेक्टली एटमोसफेयर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं और वो आसानी से इंटायर बॉडी सर्फेस से गैस को डिफ्यूज कर लेते हैं। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पोंगीज, सेलेंट्रेटा एंड फ्लैटवॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सेलेंट्रेटा के बारे में भी आप लोग जानते हैं, सेलेंट्रेटा में क्या होते थे, तो नेमेटोड्स होते थे, तो उनकी बात अभी हम नहीं करते हैं, फिलहाल हम केवल ये जानेंगे। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पोंगीज, सेलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन
एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस, अपने इंटायर बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म एंड लीचेस यूज मॉइस्ट स्किन। तो अर्थवॉर्म और लीच जो होता है वो मॉइस्ट स्किन यूज करते हैं, किस लिए, तो कॉल्ड, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन गेन करते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो मॉइस्ट स्किन होता है, वहीं पे क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है गैस, है ना। तो हम तो वहीं पे डिफ्यूज गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो क्यूटिकल में होता है। कहाँ होता है, तो क्यूटिकल में होता है, इसमें अर्थवॉर्म की और लीच में। अब इंसेक्ट्स यूज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो इंसेक्ट्स हम बात बता चुके हैं, इंसेक्ट्स में ब्लड जो होते हैं उनमें क्या क्या नहीं होता है, तो उनमें आरबीसी नहीं होते हैं और हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। और ऐसे भी इंसेक्ट्स के ब्लड को हम हेमोलिम्फ बोलते हैं, ब्लड के हेमोलिम्फ बोला जाता है। किसको, तो इंसेक्ट्स के ब्लड को हीमोलिम्फ बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं कि टिश्यू फ्लड और ब्लड दोनों आपस में मिक्स्ड होते हैं, वो दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम हेमोलिम्फ बोलते हैं इसके। तो अब यहाँ पे इंसेक्ट्स यूज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स, उनको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, टू ब्रीद। तो अब यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब्स जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के काम आता है, ट्यूब्स टू ब्रीद और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया का डेफिनेटली, ट्रैकिया ये जो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो ट्रैकियल ट्यूब्स जो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, तो सबसे पहले ये क्या आप देख रहे हैं, तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स है, ये क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स है। और ये एक पोर्स है जिसके द्वारा, ये पोर्स है जिसको हम स्पाइरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरल्स। इसी से ऑक्सीजन क्या करता है, इंटर करता है, ऑक्सीजन जो है वो इंटर करता है इधर, और यहां से CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कहां से करता है, स्पाइरल से। तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो है वो स्पाइरल से, और गैसियस एक्सचेंज का प्लेस है वो ट्रैकियल ट्यूब है, क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आउटर सरफेस में पाए जाते हैं स्पाइरल्स, किसके, तो इंसेक्ट्स के आउटर सरफेस में स्पाइरल्स होते हैं। एक ट्रैकियल ट्यूब होता है, जिस तरीके से हमारा ब्रोंकाई होता है उसी तरीके से ट्रैकियल ट्यूब होता है। और ये ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये और आगे जाकर के नैरो होता है, वो ट्रैकियल ट्यूब्स बनाते, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स फिर आगे जाकर के डिवाइड होता है, जिसको हम ट्रैकियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकियोल्स बोलते हैं, जो कहां होता है, तो इंसेक्ट्स मसल्स फाइबर में जाकर के अटैच हो जाता है, जो किसमें, तो इंसेक्ट्स मसल्स फाइबर में जाकर के मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है वो क्या है, तो फ्लड एट द एंड ऑफ ट्रैकियोल्स। तो वहां पे फ्लड है, टिश्यू फ्लड है, और उसी टिश्यू फ्लड में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो ये जो है वो इंसेक्ट्स के लिए, किसके लिए, तो इंसेक्ट्स में किसके द्वारा होता है, तो ट्रैकियल, ट्रैकिया के द्वारा होता है, या ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो अर्थवॉर्म्स एंड तो इंसेक्ट्स यूज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स टू ब्रीद और गैसियस एक्सचेंज। फिर आप आ जाइए मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। तो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स की बात करें, मोलस्कस की बात करें, हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स टू ब्रीद कॉल्ड गिल्स। तो एक्वेटिक प्राणी जैसे फिश गिल को ले लीजिए आप, तो उसमें क्या होते हैं, तो उसमें जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, ये आउट पॉकेट्स ऑफ टिश्यू है, क्या है, तो आउट पॉकेट्स ऑफ टिश्यू है। ऐसे जनरली जो टिश्यू की जो संख्या होती है वो बोनी फिश में 4 pairs होती है, 4 pairs मतलब 8, चार दोनों तरफ जो उसके माउथ होते हैं उनके दोनों साइड में क्या होते हैं, तो ये पाए जाते हैं जस्ट बेलो दी आई, आई के जस्ट पीछे होता है। तो बोनी फिश जिनको 4 pairs होते हैं, और अगर शार्क की बात करें तो 5 होते हैं, अगर शार्क की बात करें तो गिल स्लिट्स की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ गिल स्लिट्स 5 होते हैं, यहाँ पे 4 pairs होते हैं। और भी कुछ जो प्रिमिटिव फिशेस हैं उनमें मोर देन 5 गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्थोपॉड्स एंड मोलस्कस हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स
टू ब्रीद कॉल्ड गिल्स, उन्हें गिल्स कहा जाता है। तो फिर नेक्स्ट आ जाइए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स और वेस्क्यूलराइज्ड। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स है वो क्या यूज करते हैं, तो वेस्क्यूलराइड बैग यूज करते हैं टू एक्सचेंज दी गैसेस, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, कॉल्ड लंग्स। क्या बोलते हैं? कॉल्ड लंग्स। वेस्क्यूलराइज्ड बैग्स को यूज करते हैं जिसको हम लंग्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम गिल्स के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, ठीक है, गिल्स के स्ट्रक्चर को देख लेंगे। अब जो बोर्ड पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गिल्स का है, किसका है, तो गिल्स का है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बोनी फिश जो होते हैं उनमें फोर पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, मतलब एट गिल्स होते हैं। अब ये जो होते हैं वो फेरिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? तो फेरिक्स में होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं ईच बोनी फिश हैज फोर पेयर ऑफ गिल्स, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स। तो चार गिल्स होते हैं ईच गिल्स, फोर पेयर गिल्स होते हैं। ईच गिल्स सपोर्टेड बाय, ईच गिल्स आर सपोर्टेड बाय गिल्स आर्क, गिल्स आर्क के द्वारा सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप गिल्स देख रहे हैं जो थ्रॉट में होता है, फेरिक्स में होता है। तो पेयर फोर गिल्स इन थ्रॉट, थ्रॉट और फेरिक्स ऑफ द फिश, फेरिक्स ऑफ फिश, ऑफ बोनी फिश कर लीजिए या फिर फिश, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रत्येक गिल्स होते हैं वो सपोर्ट किसके द्वारा होते हैं, तो गिल्स आर्क के द्वारा। ये जो आप लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गिल्स आर्क है, और प्रत्येक गिल्स आर्क जो है वो ईच गिल्स आर्क हैज, ईच गिल्स आर्क हैज डबल रो, डबल रो ऑफ गिल्स लैमेली, गिल्स लैमेला रखता है, गिल्स लैमेला। तो आप देख सकते हैं एक रो इधर का है, एक रो इधर का है। तो प्रत्येक गिल्स जो है वो डबल रो ऑफ गिल्स लैमेला रखता है, तो डबल रो ऑफ गिल्स लैमेला होता है, और प्रत्येक रो में तीन गिल्स लैमेला होता है। ईच रो हैज, ईच रो हैज थ्री गिल्स लैमेला, थ्री गिल्स लैमेला, तीन गिल्स लैमेला रखते हैं प्रत्येक रो में। तो आप देख रहे हैं, और प्रत्येक गिल्स लैमेला हैज गिल्स प्लेट, ईच गिल्स लैमेला हैज गिल्स प्लेट, गिल्स प्लेट। प्रत्येक गिल्स लैमेला जो है वो गिल्स प्लेट रखता है, और विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन फिश, गैसियस एक्सचेंज इन फिश। ये जो है वो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन फिश है। तो आप देख सकते हैं गिल्स लैमेला, या ये जो आपको दिख रहा है ये गिल्स आर्क हो गया, है ना। फिर आप देख सकते हैं कि डबल रो ऑफ गिल्स लैमेला है, ईच रो जो है वो थ्री गिल्स लैमेला रख रहा है, और सभी गिल्स लैमेला में आप जो रेड स्ट्रक्चर से देख रहे हैं ये क्या है, तो ये गिल्स प्लेट है। ये जो होता है वो क्या होता है, कोलैप्स करता है और एक्सपेंड करता है। तो कोलैप्स कब करेगा, जब ये रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। ये क्या होता है, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे सप्लाई होता है, जैसे अब यहां से जब थ्रॉट के माध्यम से क्या आया, वाटर आया, वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं। तो वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन है, आप रेड कलर ठीक से चला नहीं है, ठीक है। ये जो है वाटर फ्लो का डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं वाटर फ्लो का डायरेक्शन है। जो वाटर के साथ क्या आया, तो ऑक्सीजन आया। तो वाटर जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन आया, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन आया। ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, तो सबसे पहले गिल्स आर्क में गया, गिल्स आर्क के माध्यम से गिल्स लैमेला में गया, और प्रत्येक गिल्स लैमेला से कहा गया, तो गिल्स प्लेट में गया। तो गिल्स प्लेट कोलैप्स क्या हो गया, तो एक्सपेंड हो गया। जब ये यहाँ क्या है, रिच इन ब्लड सप्लाई, जब ऑक्सीजन को क्या किया, वो गिल्स लैमेला जो है वो डिजोल्व कर दिया ब्लड के साथ,
तो फिर जो ब्लड जो है वो इधर ही, जिधर वाटर इधर से आया तो जिधर से वाटर आया वो ब्लड भी उधर ही, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इधर से वाटर आएगा तो इधर से ब्लड जाएगा, तो ये वाटर ऑक्सीजन लेकर के आया, फिर क्या हुआ ये ऑक्सीजन को गेन किया, उसके बाद फिर इधर ही मूव कर दिया इंटायर बॉडी सरफेस में सारे बॉडी को। तो ये ट्वेल्व जो गैसियस एक्सचेंज साइट है वो क्या है, गिल्स लैमेला है। क्या है, गिल्स लैमेला है। अब एक बात और करते हैं कि जो प्रत्येक जितने भी क्या ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं, तो जितने भी गिल्स जितने भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज रखते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम अभी तुरंत जानेंगे। तो सम कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो प्रत्येक ब्रीदिंग ऑर्गन्स में होते हैं, तो वो कॉमन फीचर्स क्या है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हैविंग लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, क्योंकि बाय वॉल्यूम लार्ज कोई भी जो भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के अनुसार उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है ताकि आसानी से गैस एक्सचेंज हो सके। अगर ज्यादा नहीं होगा तो गैस एक्सचेंज होने का जो गैस एक्सचेंज होने के लिए उनको लार्ज सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल तभी होगा हो पाएगा जब वो लार्ज सरफेस एरिया वहां पे प्रेजेंस हो। अगर लार्ज सरफेस एरिया नहीं होगा तो वो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है। फिर सेकेंड जो है वो हैविंग थिनर कवरिंग ड्यू टू अगरिंग शॉर्ट डिफ्यूजन पाथवे, तो एक्चुअली उसका जो कवरिंग होता है कोई भी ऑर्गेन्स हो जैसे अगर आप स्किन को ही ले लीजिए तो वहां पे थिनर आउटर कवरिंग होगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो आसानी से कहां पे इंटर कर सके, तो टिश्यू फ्लड में इंटर कर सके या फिर ब्लड में इंटर कर सके। तो वो जैसे लंग्स है तो लंग्स का जो कवर होता है वो जो स्किन होता है लंग्स का, मसल्स जो होते हैं वो काफी पतले होते हैं, थिन होगा क्योंकि आसानी से डिफ्यूज होने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे अब हम समझे तो हैविंग थिनर कवरिंग ड्यू टू, तो हम लोग का तो एल्वोलाई होता है, तो एल्वोलाई का कवर जो होता है वो काफी पतला होगा, ठीक है। तो हैविंग थिनर कवरिंग ड्यू टू अगरिंग शॉर्ट डिफ्यूजन पाथवे, अगर मोटा होगा तो डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन का जो पाथवे है वो जो इंटर करेगा वो उसका जो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा बढ़ जाएगा और टाइम ज्यादा लेगा तो रैपिडली नहीं हो पाएगा। तो हमको रैपिडली होने के लिए रैपिडली गैसियस एक्सचेंज के लिए पतला थिन आउटर कवरिंग चाहिए। फिर हैविंग मॉइस्ट सरफेस एरिया, तो जहां भी हमारा जो भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स होगा वो मॉइस्ट होगा, वो नमी युक्त होगा, क्योंकि वहां पे सबसे पहले गैस को डिजोल्व होना होता है। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के लिए पहले क्या होगा, गैस डिजोल्व होगा तभी तो आउटसाइड निकल पाएगा, है ना। तो हैविंग मॉइस्ट सरफेस वेयर गैस कैन डिजोल्व फर्स्ट, सबसे पहले गैस डिजोल्व होगा बिफोर द डिफ्यूज आउट या डिफ्यूज इन होने से पहले वो क्या होगा, डिजोल्व होगा। फिर रीच इन ब्लड सप्लाई होगा, अब जिनमें ब्लड पाए जाते हैं तो उनमें क्या होगा, जिनके तो जिस ब्लड का जो गैस का जो एक्सचेंजेशन है जिसमें क्या हो रहा है ब्लड के माध्यम से हो रहा है तो वो रीच इन ब्लड सप्लाई होगा तभी ना गैस डिफ्यूज हो पाएगा गैस। तो रीच इन ब्लड सप्लाई सो दैट मोर एंड मोर ब्लड कैन एक्सचेंज गैसेस इन वन गो, तो एक बार में फर्स्ट टाइम में हम अधिक से अधिक गैस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सबसे अधिक गैस को ट्रांसपोर्टेशन तभी कर सकते हैं जब अधिक से अधिक ब्लड वहां पे प्रेजेंस होगा। जब ब्लड ही नहीं होगा तो अधिक से अधिक गैस को ले कौन जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी वन स्ट्रोक्स की बात करें तो वन स्ट्रोक्स मतलब कि एक बार जब हम सांस को लेते हैं तो 500 ml एयर को हम इन करते हैं, 500 ml एयर को इन करते हैं जिसे हम टिडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो 500 ml को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत अधिक ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ब्लड कम होगा तो सारे गैस पहुंच नहीं पाएंगे, हमको जो भी टारगेट साइट है वहां पहुंच नहीं पाएंगे, तो रेस्पिरेशन का रेट स्लो हो जाएगा और हमें एनर्जी जितनी चाहिए उतनी मात्रा मिल नहीं पाएगी। तो इसीलिए रीच इन ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कवर कर चुके हैं एनिमल्स में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अब केवल हमको कवर करना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है। अभी तो आप लोग का पवित्र ये क्या चल रहा है, मंथ भी चल रहा है, होली मंथ जो चल रहा है रमजान का, आप लोग ईद भी मनाइएगा, ठीक है। हमारे तरफ से हैप्पी ईद आप लोगों का। और लेकिन प्रॉब्लम यह है, यहाँ है कि कोरोना से अभी बहुत सारा जो है, कोरोना पेंडेमिक जो है वो ऐसी महामारी है जिससे पूरा सारा वर्ल्ड जो है वो त्रस्त है। इसलिए आप लोग घर पे ईद को मनाएं, सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो आगे और अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।